हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं नहीं, मेरा बेटा लेकर आया है आप सबके लिए ट्रिपल सेजवान राइस की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग से लेके कुकिंग तक। उससे पहले मेरी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्प्रिंग ऑनियन लिया है मैंने, एक बंच लिया है, उसके हरे पत्ते हैं, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। जितना हो सके उतना बारीक चॉप करने की कोशिश करें। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हो। अब उसको साइड पे रखेंगे। अब स्प्रिंग ऑनियन का आगे का जो वाइट पार्ट रहता है उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। बिना स्प्रिंग ऑनियन चाइनीज़ का स्वाद अच्छा नहीं आता है। अब उसको भी साइड पे निकाल के हम लोग सूखे प्याज लेंगे। लाल वाले प्याज जो आते हैं वो 3 मीडियम साइज़ के लेने हैं और उसको भी बारीक चॉप कर लेना है। अच्छे से बारीक चॉप करके उसको भी साइड पे निकाल लेंगे। अब हम लोग पत्ता गोभी लेंगे। 250 ग्राम जितनी पत्ता गोभी ली है उसको लंबी स्लाइस में काट के वापस उसको बारीक चॉप कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फूड प्रोसेसर में भी अच्छी तरह उसको कट कर सकते हो। अब हम लोग एक बड़ा सा गाजर लेंगे, उसको धो के अच्छी तरह उसका छिलका निकाल के उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। चाइनीज़ फूड कुक करने में बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, मगर उसके प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अब एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लेंगे, उसको भी हम लोग लंबी स्लाइस में कट करके बारीक चॉप कर लेंगे। अब कैप्सिकम भी बारीक चॉप हो चुका है तो उसको साइड पे निकाल लेंगे। अब चाइनीज़ का मेन इंग्रेडिएंट्स है लहसुन। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ लेंगे। 2 इंच टुकड़े आदू के लेंगे और तीखी वाली मिर्ची लेंगे और उसको हम लोग चॉपर में क्रश करेंगे। ये मेरे पास हैंड वाला चॉपर है तो उसके अंदर हम लोग क्रश करेंगे। ये चिल्ली कटर भी उसको बोल सकते हो आप। ये देख सकते हो बहुत अच्छी तरह वो चॉप हो चुके हैं। अब हम लोग 100 ग्राम जितनी फ्रेंच बीन्स यानी कि फंसी को भी बारीक चॉप कर लेंगे, उसको भी साइड पर निकाल लेंगे। अब हमारे सारे वेजिटेबल्स चॉप होके तैयार है, आप देख सकते हो। तो अब हम लोग एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। उसमें ऑनियन ऐड करके 2 से 3 मिनट तक उसको सौते करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और मिर्ची ऐड करेंगे। अब अपने स्वाद के अनुसार तीखा या कम तीखा एडजस्ट कर सकते हो। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सबसे पहले हम लोग फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे। जितनी क्वांटिटी है उससे हम लोग आधी ऐड करेंगे। अब कैरेट भी ऐड कर देंगे। और दोनों को अच्छी तरह सौते करेंगे। चाइनीज़ पकाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। अब हम लोग उसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम बहुत ही हाई रखें, चाइनीज़ ऑलवेज हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। अब उसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। जितनी चॉप की है उससे आधी पत्ता गोभी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कम से कम 4 से 5 व्यक्ति के लिए ये राइस बना रहे हैं। अब हम लोग स्प्रिंग ऑनियन का आगे का वाइट पार्ट और हरा वाला पार्ट भी उसमें ऐड कर देंगे और सारी सब्जियों को अच्छे से एक बार मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक उसको सौते करेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसको वापस अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही कम तेल में ये चाइनीज़ पक जाता है। अब उसमें 1 टेबलस्पून जितना ग्रीन चिली सॉस ऐड करें।
आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हो, और एक टेबलस्पून जितनी रेड चिली सॉस ऐड करें। और ये सेज़वान सॉस है, 3 टेबलस्पून जितना मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें और 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड करें। ये डार्क वाला सोया सॉस है चिंग्स कंपनी का, वापस उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा वेजिटेबल अच्छे से सौते हो चुका है, तो उसमें हम लोग पके हुए चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 3 से 4 कप जितने बासमती चावल, जो ऑलरेडी मैंने नमक डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया था और उसको अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है, उसको ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मेरा सेज़वान राइस तैयार है, उसको स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करेंगे। अब 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले और उसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करके उसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। ये हम लोग ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड, तेल गरम होते ही उसमें बाकी जो बचा हुआ था प्याज वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी गैस की फ्लेम फास्ट ही रखनी है, 1 से 2 मिनट तक उसको अच्छी तरह सौते कर ले। अब उसमें कटा हुआ लहसुन अदरक और मिर्ची को ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार लहसुन मिर्ची और अदरक को ऐड कर सकते हैं। वापस उसको फास्ट फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ऐड करें। अब उसमें फ्रेंच बीन्स भी ऐड कर दें, कटे हुए गाजर को भी ऐड कर दें। अब सारे सामग्री को वापस एक और बार 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब उसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दें और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब वेजिटेबल्स थोड़े से पक चुके हैं, तो उसमें हम लोग पत्ता गोभी ऐड करेंगे, स्प्रिंग ऑनियन का वाइट और हरा पत्ता दोनों को भी ऐड कर देंगे। और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लें। पत्ता गोभी को पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता, इसलिए हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 1 टेबलस्पून जितना ग्रीन चिली सॉस ऐड करें, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हो। 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस भी ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस को ऐड करें, यहाँ पे सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसलिए यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून हम लोग सेज़वान सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब सारे सामग्री को वापस एक बार अच्छी तरह मिक्स कर ले और 2 से 3 मिनट तक और सोते करें। आप देख सकते हो वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह सोते हो चुके हैं, तो उसमें 2 बड़े गिलास भर के हम लोग पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 4 से 5 व्यक्ति के लिए ये खाना पका रही हूँ। अब अच्छे से बॉईल हो चुका है वेजिटेबल, तो उसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर का स्लरी ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर का स्लरी ऐड करें और उसको बॉईल करें जब तक कि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ट्रिपल सेज़वान राइस की ग्रेवी हमारी तैयार है। आप देख सकते हो एकदम गाढ़ी हो चुकी है। इतना ही हमें गाढ़ा टेक्सचर रखना है, जैसे हम लोग मनचाओ सूप या मंचूरियन की ग्रेवी रखते हैं उतनी ही हमें ग्रेवी गाढ़ी बनानी है। तो अब ग्रेवी तैयार है, तो हम उसके प्लेटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बाउल में राइस को सेट करेंगे, जो सेज़वान राइस हमने पहले बनाया था वही राइस को हम लोग एक बाउल में सेट करेंगे और उसको अच्छे से दबा के भरेंगे, ताकि जब हम लोग अनमोल्ड करें तो उसका जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। अब आप देख सकते हो राइस को मैंने अनमोल्ड कर दिया है। अब उसके ऊपर हम लोगों ने तैयार की ग्रेवी को ऐड करेंगे।
ये ट्रिपल सेजवान राइस हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। इसमें मैंने नूडल्स ऐड नहीं किया। आज मैंने ट्रिपल सेजवान राइस को थोड़ा इनोवेटिव स्टाइल में सर्व करने का सोचा है, तो मैं थोड़ा उसमें इनोवेटिव आइडिया मेरा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग बॉयल वाले नूडल्स नहीं ऐड कर रहे हैं। जनरली रेस्टोरेंट में जो मिलता है वो बॉयल नूडल्स ऐड करके उसको सर्व किया जाता है, मगर यहाँ पे मैं बॉयल वाले नूडल्स नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो फ्राइड नूडल्स रहते हैं वो मैं आज उसके ऊपर सर्व करूँगी, तो खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ा क्रंचीपन आता है राइस के साथ और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बेटे की ये इनोवेटिव डिश आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी ऐसी नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन।